brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. गुरुग्राम लोकसभा सीट से राविंदर जी जैसे दिग्गज नेता आपके सामने हैं, राज बब्बर हैं, राहुल फाजिलपुरिया हैं, आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? पब्लिक का प्यार जो मेरे साथ है, भरपूर प्यार मिल रहा है, इंशाल्लाह जो बड़े बड़े धुरंधर हैं उनको जमीन चटा देंगे, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है पब्लिक मेरे साथ है, इंशाल्लाह मैं तगड़े तगड़े जो नेता जो आपको दिखाई दे रहे हैं मैं इनको हार का मुंह दिखाकर रहूंगा इंशाल्लाह। हरियाणा की गुरुग्राम सबसे ज्यादा हॉट सीट है। भारतीय जनता पार्टी ने दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है तो कांग्रेस पार्टी ने राज बब्बर को उतारा है। इसके अलावा जननायक जनता पार्टी की बात करें तो राहुल फाजिलपुरिया मैदान में हैं, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल ने नूह जिले से ताल्लुक रखने वाले हाजी सोहराब खान को मैदान में उतार कर मामले को रोचक बनाने की भरपूर कोशिश की है। हमारे साथ हाजी सोहराब खान इस समय मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या है टिकट मिलने के बाद। मैं समझता हूं कि मैं एक किसान का बेटा, सामाजिक आदमी, जो आज उन्होंने पूरी आवाम को ये एक मैसेज दिया है कि ये पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है और सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, तो आज उन्होंने ये साबित कर दिया, क्योंकि उन्होंने पूरे लोकसभा में 10 सीटें हरियाणा में, तो 10 की 10 सीटों में सबको सबका हिस्सा दिया है, चाहे कोई एससी से हो, चाहे बीसी से हो, चाहे माइनॉरिटी से हो, चाहे जनरल से हो, सबका बराबर बराबर हिस्सा दिया, सबके कैंडिडेट बनाए हैं। तो मैं गुरुग्राम लोकसभा सीट से राविंदर जीत जैसे दिग्गज नेता आपके सामने हैं, राज बब्बर हैं, राहुल फाजिलपुरिया हैं, आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, कैसे मुकाबला मानते हैं उनसे? देखो पत्रकार साथी भाई, नेता तो पहले भी आए हैं और आते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है पब्लिक के प्यार की। पब्लिक का प्यार जो मेरे साथ है और भरपूर प्यार मिल रहा है, इंशाल्लाह जो बड़े बड़े धुरंधर हैं उनको जमीन चटा देंगे, इंशाल्लाह आने वाला वक्त जो होगा पब्लिक का वक्त है। पब्लिक जिसको चाहे, चाहे अमीर को गरीब बना देती है, गरीब को अमीर बना देती है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है पब्लिक मेरे साथ है, इंशाल्लाह मैं तगड़े तगड़े जो नेता जो आपको दिखाई दे रहे हैं मैं इनको हार का मुंह दिखाकर रहूंगा इंशाल्लाह। गुरुग्राम में लोकसभा में मेवात जो है पिछड़ा इलाका है, लगातार यहाँ रेल, मेवात यूनिवर्सिटी और बहुत सारे मुद्दे उठते रहे हैं, अगर आपको मौका मिलता है तो किस तरह का विकास मेवात में देखने को मिलेगा? देखो भाई साहब, मैं भुगत भोगी हूँ, मैं भी इसी आवाम में से हूँ और मेरे सामने हर चीज़ मेरे सामने हो रही है, जो रोड एक्सीडेंट है वो मेरे सामने हो रहे हैं, मेरे परिवार से भी हो रहे हैं और मेरे रिश्तेदारों में से भी हो रहे हैं, और मैं कहूँ जो भी आवाम हो मेरा परिवार है, और जो भी यहाँ जो दिखाई दे रहा है, ना कोई शिक्षा के साधन है, ना कोई स्वास्थ्य के लिए कोई चीज़ है, ना कोई किसानों के लिए कोई पानी का इंतजाम है, ना पीने के पानी का इंतजाम है, तो ये सब चीज़ मेरे सामने, तो मैं तो भुगत भोगी हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर मुझे मौका दिया तो मैं मेवात के लिए वो काम करूँगा, तो इंशाल्लाह किसी के मातहत ना रहेंगे। हाजी सोहराब जी, टिकट अब मिल चुका है, कब आप नामांकन करने जा रहे हैं, और दूसरी बात ओपी चौटाला जी या अभय सिंह चौटाला जी कब आपके प्रचार के लिए यहाँ आ रहे हैं? देखो नामांकन की लास्ट डेट 6 तारीख है, तो मैं नामांकन की जो प्रक्रिया मेरी आज से शुरू हुई पड़ी है, जो कागजी कार्रवाई है वो चल रही है, तो उसमें जो टाइम लगेगा तो मैं नामांकन 6 तारीख को भरूंगा, और हमारे जो नेता हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी वो 8 तारीख को यहाँ नूह देखते हैं, नूह अनाज मंडी में अगर खाली होती है तो नूह आज अनाज मंडी में आएंगे, और वो उसने कल आवाम के सामने, सारी पब्लिक के सामने ये कहा है, मेरा अलाउंस जब किया था कि इस इलेक्शन को मैं खुद लड़ूंगा, और हाजी सोहराब के ऊपर मैंने जो भरोसा किया कि मेरा एक वफादार आदमी है, तो उसने पूरी जो
ईमानदारी से जो जिस लायक मैं समझाऊँ तो उसने आवाम के आगे ये वादा किया कि इलेक्शन को मैं खुद लड़ूंगा और वो 8 तारीख को वो पर्चा भरवाने के लिए भी आएंगे इंशाल्लाह।